हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हर्ष और आप देख रहे हैं द देसी नॉलेजिस्ट। मैं वाइन रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूं, सो अगर आप वाइन के बारे में पैशनेट हैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सो एज टू गेट वीडियोस रेगुलरली। एंड सो आज का टॉपिक है न्यू वर्ल्ड वर्सेज ओल्ड वर्ल्ड वाइन। अगर आपको नहीं पता है या फिर आपने सुना होगा कि ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स एंड न्यू वर्ल्ड वाइन्स होती हैं, क्या उसमें डिफरेंस है, क्या की फैक्टर्स हैं, पूरी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू एंजॉय इट। तो बहुत ही सिंपल है, ओल्ड वर्ल्ड वाइन और न्यू वर्ल्ड वाइन में होते डिफरेंसेस बहुत हैं लेकिन उसको समझना बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक वाइन कहीं तो शुरू हुई होगी एंड वहाँ से वो दूसरे पार्ट में गई है एंड देन वो ज़्यादा पॉपुलर हुई है। एंड यहाँ पे भी सेम ऐसी चीज़ है न्यू वर्ल्ड वाइन्स एंड ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स में। बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स होती हैं, अगर आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने मेंशन किया है कि जो वाइन या ग्रोइंग बेल्ट है या फिर जो ग्रेप ग्रोइंग बेल्ट है इन अराउंड द वर्ल्ड बेसिकली इज़ फ्रॉम 30 to 50 degrees नॉर्थ एंड साउथ, राइट। सो जो बेस्ट विनियर्ड्स आपको मिलेंगे वो इन्हीं रीजन्स में मिलेंगे एंड जो वाइन का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो इसी बेल्ट पे हुआ था एंड विच इज़ वाई आपको जो विनियार्ड्स मिलेंगे वो 30 to 50 degrees के लैटिट्यूड पे मिलेंगे। फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, ये सारी जो कंट्रीज है ये सारे ओल्ड वर्ल्ड वाइन्स में आती हैं बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं कई सालों से वाइन बना रही हैं। एंड जो भी कंट्रीज, यू कैन से मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस जो वाइन बना रहे हैं दैट कम्स अंडर ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज। एंड जो भी कंट्रीज इसके बाहर जाती हैं या फिर इसके बाहर रहती हैं उसको आप न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्रीज में कंसिडर कर सकते हैं, सच एज USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड चिली। ये सारी जो कंट्रीज हैं ये सारी न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्रीज के अंडर आती हैं। सो मेजरली आप दो चीज़ों से इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज सी हाउ यू सी इट एंड कैसे आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये ओल्ड वर्ल्ड वाइन है या फिर न्यू वर्ल्ड वाइन है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप वाइन का लेबल चेक करते हैं, सो वाइन का लेबल जो होता है जो ट्रेडिशनल ओल्ड वर्ल्ड वाइन का जो लेबल रहेगा उसमें वो वाइन जो है वो उसके रीजन से डिनोट की जाती है एंड अनलाइक कि न्यू वर्ल्ड वाइन में जो रहता है, न्यू वर्ल्ड वाइन में लाइक डायरेक्टली ग्रेप से उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर आप ओल्ड वर्ल्ड वाइन की बॉटल उठा के उसका लेबल चेक करते हैं तो बेसिकली क्या होता है उसमें आपका विनियार्ड का नाम, उसके रीजन का नाम और एप्लेशंस आपको देखने मिलती हैं। लेकिन अगर आप न्यू वर्ल्ड वाइन के लेबल चेक करते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली विनियार्ड का नाम या वाइनरी का नाम और उसके नीचे आपको ग्रेप की वेराइटी मिल सकती है। तो वेराइटी की वजह से बहुत ही सिंपल हो जाता है न्यू वर्ल्ड वाइन की बॉटल को चेक करना एंड ओल्ड वर्ल्ड वाइन की बॉटल को चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ओल्ड वर्ल्ड वाइन वाइनरीज जो होते हैं वो अज्यूम करती हैं कि अगर आप उसकी वाइन ले रहे हैं लाइक दे अज्यूम दैट आपको उसके बारे में पता है। फॉर एग्जांपल शाबली एक जगह है फ्रांस में एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट कि अगर आप एक शाबली परचेस कर रहे हैं फ्रॉम अ वाइन स्टोर इट हैज़ टू बी अ शार्डोने, राइट। शाबली का जो नेटिव ग्रेप है दैट इज शार्डोने। सो दे अज्यूम कि आपको पता है एंड एविड वाइन ड्रिंकर्स हैं या फिर जो वाइन एंथुजियास्ट हैं उनको डेफिनेटली पता होता है लेकिन जो न्यू या फिर बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट्स ईजी टू गेट अ न्यू वर्ल्ड वाइन बॉटल एंड न्यूबी के लिए या फिर बिगनर के लिए एंड क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो ग्रास्प कर सकता है एज कम्पेयर टू अ ओल्ड वर्ल्ड वाइन बॉटल। एंड सेकेंड पॉइंट जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं न्यू वर्ल्ड वाइन फ्रॉम अ ओल्ड वर्ल्ड वाइन इज थ्रू टेस्ट। सो ओल्ड वर्ल्ड वाइन का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मोर अर्दी होता है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एंड लेस फ्रूटी होता है। फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कम होते हैं, एसिडिटी लेवल्स उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं बिकॉज वो थोड़े से कोल्डर क्लाइमेट से आती है एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि कोल्ड अगर ज़्यादा रहेगा, ठंडक ज़्यादा रहेगी सो उसमें एसिडिटी लेवल्स इंक्रीज रहेंगे एज कम्पेयर टू दोज जो कि न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्रीज जो होती हैं वो रिलेटिवली थोड़े से वार्मर क्लाइमेट से आती हैं एंड अगर आप देखेंगे तो उनका जो एसिडिटी लेवल्स है वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे कंपेरेटिवली एंड उसमें फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा रहता है एंड इट इज़ मेंट टू बी कंज्यूम्ड एट अ यंगर स्टेज एंड इट इज़ गुड फॉर अ बिगनर बिकॉज वो उसको डायरेक्टली अप्रिशिएट कर सकता है अनलाइक अ ओल्ड वर्ल्ड वाइन जिसको थोड़ी सी एजिंग की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लेक्स नेचर होता है उसका। सो यू कैन से दैट न्यू वर्ल्ड वाइन जो होती हैं दैट इज़ प्रेफरेबल फॉर अ बिगनर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है यू कैन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपने मेरे बाकी वीडियोज नहीं देखे यू कैन चेक द आई कार्ड उसमें मैंने सारी प्लेलिस्ट दी हुई है सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट। एंड और एक और डिफरेंस होता है ओल्ड वर्ल्ड वाइन फ्रॉम अ न्यू वर्ल्ड वाइन बिकॉज अगर आप देखेंगे जो एप्लेशंस होते हैं या फिर अगर आपने वाइन बॉटल के लेबल्स में चेक किया होगा कि उसमें एप्लेशंस समथिंग कंट्रोल लिखा हुआ है सो बेसिकली दैट इज एप्लेशंस या फिर रेगुलेशंस जो वो कंट्री होल्ड करती है फॉर वाइन एंड इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज। न्यू वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं रहता है
लाइक अमेरिका में AVA मिल सकता है आपको, अमेरिकन विटिकल्चर एरिया, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मेजॉरिटी ऑफ द न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्रीज़ में कोई भी एप्लेशन या फिर अपलेसियों देखने नहीं मिलता है। एंड जो भी ओल्ड वर्ल्ड वाइन कंट्रीज़ हैं लाइक इटली, स्पेन या फिर यू कैन से फ्रांस, तो उसमें एप्लेशन आपको देखने मिलेंगे। एंड दीज आर द एप्लेशन या रेगुलेशन जो वहाँ पे गार्ड करते हैं उस एरिया के वाइन कल्चर को या फिर विटिकल्चर प्रैक्टिसेस को। एंड अ बोनस स्टेप या फिर यू कैन से अ बोनस पॉइंट, न्यू वर्ल्ड वाइन कंट्री अगर आप देखते हैं फॉर लाइक USA, वो न्यू वर्ल्ड स्टाइल की जगह ओल्ड वर्ल्ड स्टाइल फॉलो कर सकती हैं इन देयर वाइन मेकिंग प्रोसेस, एंड वाइस वर्सा ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज न्यू वर्ल्ड स्टाइल फॉलो कर सकती हैं। सो दैट इज इट, अभी टाइम होता है आज के फन फैक्ट का। सो फन फैक्ट फॉर द डे इज स्टैंडर्ड सर्विंग पोर्शन या फिर साइज फॉर वाइन इज 150 ml। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू वॉन्ट आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया लिंक्स जस्ट टू स्टे कनेक्टेड, एंड ऑल्सो सम अदर यू कैन से अमेजोन लिंक्स टू वेरियस वाइन एसेसरीज अगर आप चेक करेंगे। एंड इफ यू परचेज फ्रॉम माई गिवन लिंक आपको सेम चार्ज होगा, बट इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, स्टे सेफ, टेक केयर, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद।